प्रिय मित्रों नमस्कार, ज्योतिष मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। हम आपको इस मंच के माध्यम से हमेशा आगाह करते रहते हैं, आपको सावधान करते रहते हैं, आपको अलर्ट करते रहते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन से महीने में क्या क्या घटित होने वाला है, कैसे बचाव करना है। और अगस्त महीने का राशिफल आपको हम बता रहे हैं। अभी तक हमने मेष से तुला राशि तक की जानकारी दी है, जो नहीं सुन पाए हैं वो हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 पीक आवर में चल रही है, छाती के ऊपर चल रही है, सेकंड जो साइकिल होता है इसका वो चल रहा है। इसका मतलब पहली और दूसरी अगस्त को आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा, आपको हेल्थ इशूज बढ़ जाएंगे, पाइल्स की बीमारी भयंकर स्टेज ले सकती है, ऑपरेशन जैसी संभावना यहां पर हो सकती है। आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच होकर के पिता के घर में बैठा है और अस्त होकर के भी बैठा है। यह रोग चोट का स्वामी लग्नेश भी है, यह पिता के लिए भी खराब है और आपके लिए भी खराब है, इसलिए पिता पुत्र दोनों को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय भाग्य हानि का योग भी बनता है। पहली और दूसरी तारीख को अगर कोई भी काम आप करते हैं तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए दो दिन सिर्फ मंत्रों का जाप करें, अपने कैरियर को नॉर्मल तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। नीच मंगल और अस्त मंगल से अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आपको मूंगा पहनना होगा। अगर यह अस्त ना होता मंगल तो मैं हो सकता है मूंगा ना पहनाता। आपकी राशि में शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है, इसलिए पहली और दूसरी अगस्त को सफेद कपड़े पहनने चाहिए, काले कपड़ों नहीं पहनने चाहिए और काली वस्तुओं का दो दिन दान करना चाहिए और दोनों दिन लगातार आपको तेल का दीपक जलाना ही चाहिए। आपके धन और एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी है, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, आपके पास जो एकोमुलेटेड मनी है, जो संचित मनी है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, विदेश में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, परिवार में बिखराव की स्थिति वो ठीक होगी और बृहस्पति की दृष्टि विवाह स्थान पर है। अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए उचित समय है, लेकिन शनि की पूजा करने के बाद। आपके विवाह स्थान का स्वामी शुक्र मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि के अंदर है, पत्नी की सर्जरी हो सकती है, पति की सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन 21 अगस्त के बाद में ये राशि परिवर्तन हो जाएगा, उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आएगा, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में, आपके सहपाठी के स्वास्थ्य में काफ़ी इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है। 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और राहु के साथ युति होगी और फिर मंगल के साथ भी यहाँ पे युति होगी। चार ग्रहों का योग राहु बुध मंगल सूर्य आपके चौथे भाव में चलते रहेंगे। जॉब में करूं ना करूं, छोड़ दूं, इस प्रकार की ऊहापोह में आप कहीं ना कहीं बने रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जॉब नहीं छोड़नी है, ये जो 15 दिन का पीरियड रहेगा उसमें आपको बड़ा तनाव रहेगा, उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। आप एक पुखराज पहन सकते हैं, इसके पहनने से आपका धन, आपकी एजुकेशन, संतान का सुख ये सब अच्छा रहेगा। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए आपको, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, सैटरडे का फास्ट आपको करना चाहिए, इनको करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो 27 तारीख के बाद में जो 3-4 ग्रहों का एक योग बन रहा है, युति बन रही है, उसमें आपकी जॉब को खतरा हो सकता है, आपके मदर इन लॉ और आपकी मदर को हार्ट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, इनको भी आपको सावधानी रखनी चाहिए, समय समय पर दवाई लेते रहने चाहिए। ओवरऑल ये कह सकता हूँ पहली और दूसरी अगस्त को आप कोई नए काम ना करें, डिप्रेशन में कोई फैसला ना लें, उसके बाद कुछ बेटर होना आपका शुरू हो जाएगा। ये था आपका वृश्चिक राशि का राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं अपना राशिफल या अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष है या मंगलिक दोष बना हुआ है, आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, वास्तु के हिसाब से आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री ऑफिस या शुरू कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कोई गोदाम के बारे में, किसी भी प्रकार के वास्तु से संबंधित समस्याओं के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में धनु राशि की जानकारी लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।